हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस कूलर फैन को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, यह मेरी शॉप पर रिपेयर होने के लिए आया है। कस्टमर का कहना है दोस्तों कि मेरा कूलर फैन घूम नहीं रहा है और इसकी बॉडी से करंट आ रहा है, तो दोस्तों हम इसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, यह इसकी ब्लेड है जो कि एग्जास्ट ब्लेड है। यह ब्लेड दोस्तों ख़राब हो गई है, इसे भी हम चेंज करेंगे। दोस्तों, मैंने इसकी मोटर को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लगी हुई थी। बड़ी ही मशक्क़त के बाद मैंने इसकी मोटर को इसकी बॉडी से बाहर निकाला है। तो दोस्तों, हम इसकी मोटर को चेक करेंगे। यदि इसमें करंट आ रहा है तो हम इसकी बाइंडिंग को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी मोटर को चेक कर लिया है, इसकी मोटर जल गई है। तो दोस्तों, हम इसे बाइंडिंग करेंगे और इसका पूरा डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मैंने इसकी बाइंडिंग को कंप्लीट कर लिया है, पर दोस्तों मैंने बाइंडिंग का वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सर वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। तो यदि आप मुझे कमेंट करेंगे और आप इसकी बाइंडिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, तो जब भी मेरे पास कोई 36 स्लॉट का मोटर बाइंडिंग के लिए आता है, उसका वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मैं इसका डाटा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें 8 MFD का कैपेसिटर यूज में लिया है। दोस्तों, मैं रनिंग कॉइल का डाटा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने रनिंग कॉइल में 26 नंबर गेज का उपयोग किया है और इसकी कॉइल की साइज मैंने 38 इंच ली है। दोस्तों, इसकी पिच 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में एक बार और 1 से 8 में 2 बार रहेगी। दोस्तों, इसके स्टेटर की चौड़ाई 1.5 इंच है। अब चलिए मैं इसके स्टार्टिंग का डाटा भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग का गेज मैंने 28 नंबर रखा है और इसकी कॉइल की पिच 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में एक बार और 1 से 8 में 2 बार रहेगी। और दोस्तों, इसकी कॉइल की लंबाई मैंने रनिंग कॉइल की लंबाई से 1 इंच हल्की रखी है, तो मैंने इसकी कॉइल की लंबाई 37 इंच रखी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसका डाटा बनाया है और इसे रिबाइंड किया है। दोस्तों, जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि हमें पुरानी रिबाइंडिंग काटते हैं, तो उस बाइंडिंग में से ही हमें डाटा निकालना चाहिए। यदि डाटा हमें कंपनी बाइंडिंग मोटर से मिलता है, तो हमें उसी डाटे को इसमें दोबारा यूज करना चाहिए। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और इसके सभी चारों स्टडों को इसमें लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इसके आगे वाले कवर को लगाकर इसके स्टडों को लगा लेते हैं और अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसे चलाकर देखेंगे। दोस्तों, मोटर बाइंडिंग करने से पहले जब हम इसकी बाइंडिंग को काटते हैं, तो उस समय हमें इसका पुराना डाटा ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यदि कंपनी बाइंडिंग यह मोटर रहती है तो इसका डाटा पूरी तरह से सही होता है, उसी डाटे को हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक रेड वाले वायर और एक वाइट वाले वायर को कॉमन वायर बना लिया है और अब हम इस 8 MFD के कैपेसिटर को इन रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल में इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों, हम इसे सीरीज लैंप के द्वारा चेक करेंगे
कि मोटर किस प्रकार से घूम रहा है। दोस्तों यह एग्जास्ट फैन है, इसलिए मोटर को उल्टा घुमाते हैं। तो देखिए यह मोटर उल्टा चल रहा है, यानी मोटर सही घूम रहा है। यदि दोस्तों मोटर सीधा घूमता है तो हम इसके रनिंग कॉइल को वायर को आपस में चेंज कर देंगे तो यह सही दिशा में घूमने लगेगा। हम इसके स्टार्टिंग के वायर को भी आपस में चेंज करेंगे तो भी यह दिशा चेंज कर लेगा और जिस दिशा में हम घुमाना चाहते हैं उस दिशा में घूमने लगेगा। तो दोस्तों मैंने फाइनली इसे पूरी तरह से कंप्लीट मोटर को कस लिया है। अब चलिए हम एक बार फिर इसे सीरीज लैंप के द्वारा चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका प्लग सीरीज में लगा दिया है और यह एग्जास्ट फैन मोटर अच्छी तरह से घूमने लगा है। दोस्तों इसकी फिटिंग हमें सही प्रकार से करना चाहिए, यदि बेयरिंग ख़राब हों तो उन्हें भी चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसकी मोटर को कंप्लीट इसकी बॉडी में सेट कर लिया है। यह इसका वाटर पंप है, इसके भी मैंने कनेक्शन को कर दिया है। तो देखिए मैंने इसकी ब्लेड को भी चेंज कर दिया है क्योंकि इसकी पुरानी ब्लेड भी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों अब हम इसे फाइनली आपको चलाकर दिखाते हैं कि इसमें क्या स्पीड आई है। तो दोस्तों कूलर फैन काफ़ी स्पीड से घूम रहा है क्योंकि यह 3600 वाट का कूलर मोटर है। दोस्तों इसकी स्टेटर की चौड़ाई 1.5 इंच है तो मोटर काफ़ी अच्छी तरह से घूम रहा है। और दोस्तों इसके काफ़ी ज़्यादा RPM भी हैं और हवा भी इसकी काफ़ी तेज़ लग रही है। दोस्तों हवा के लिए मैंने यह कागज़ का एक टुकड़ा इसके सामने लगाकर आपको दिखा रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड है और काफ़ी अच्छा फैन घूम रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस कूलर फैन को रिपेयर कर सकते हैं। यदि इसकी बाइंडिंग जल जाती है, इसकी मोटर की बाइंडिंग जल जाती है तो बड़ी ही आसानी से हम इसकी बाइंडिंग को रीबाइंडिंग कर देते हैं। दोस्तों यदि रीबाइंडिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा।